अच्छा देखो, अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है देखते हैं अपन, ठीक है। यस अब सर। जैसे देखो, अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है, अब देखो ये जो कार्बन पे प्लस है ना, यस सर। जहां पे कार्बन पे प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, यस सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है, राइट सर। ठीक है। तो देखो, हाइपर कंजुगेशन में बेसिकली होता क्या है कि जिस कार्बन पे देखो प्लस होगा, ये हाइपर कंजुगेशन का केस नंबर वन देख रहे अपन, ठीक है। सर। तो जिस कार्बन पे प्लस होगा उसके बगल वाला जो कार्बन होगा यस सर। उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, राइट सर। पर अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ, दो, यस ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, अगर ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, ये वाला, यस सर। ये सिग्मा बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा चार्ज, प्लस एच प्लस और सी माइनस ना, राइट सर। तो कैसा बन जाएगा देखो। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यस हाँ, सर। माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बन गया, यस सर। या यहां पे भी देखो ऐसे हो सकता सर, है CH2+ के पास तो जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है एंड ऐसा, जब ब्रेक हुआ ना तो देखो कुछ ऐसा हो गया, जब तुमने बॉन्ड ब्रेक किया तो ये हो गया एच प्लस, इस पे माइनस आ गया, सर। इस पे CH2+ आ गया। यस सर। यस सर। समझा? यस सर। सर मीन्स वो माइनस बॉन्ड हमने डबल बॉन्ड के लिए यूज कर लिया -4। हाँ, यस सर। तो देखो ऐसा दो बार कर सकते हैं ना, एक बार ये और एक बार ये। राइट सर। अच्छा देखो, इसे इसीलिए बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब तुम सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और तुम्हारा कॉन्जुगेशन जनरेट हो रहा है ना। यस सर। तो अब हाइपर क्यों है ना, कि देखो सिग्मा बॉन्ड टूटना आसान तो है नहीं, राइट सर। सी एस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो सी एस सिग्मा बॉन्ड तो टूटना आसान नहीं यस सर। है ना। यस सर। अच्छा, इन शॉर्ट अगर कोई पूछे कि हाइपर कॉन्जुगेशन में हो क्या रहा है, तो मतलब अपन सी एच बॉन्ड तोड़ देंगे और रेजोनेंस जनरेट होगा, राइट सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। राइट सर। अच्छा, यहां तक लिख लिया ना, सेकेंड सर। हाँ लिख लो अच्छे से। यस सर। कंप्लीट लिख लिया, है। यस सर। कुछ मन में डाउट है जो पूछना है तुम्हें? सर मुझे ये डाउट है कि एक ही नेगेटिव चार्ज बॉन्ड कैसे बना रहा है। एक ही निगेटिव चार्ज बॉन्ड कहाँ बना रहा है? एक निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास अपने पहले से था और एक उसे एक्स्ट्रा मिल गया ना,
यस सर, बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना तुम्हें, राइट सर, एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना पहले से था, यस सर, और एक तुमने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, यस सर, तो अभी दो हो गए ना, एच प्लस का इलेक्ट्रॉन है वो हमने, हाँ, यस सर, राइट सर, समझा, यस सर, बढ़ सकते हैं आगे, यस सर, कंप्लीटेड। अच्छा अब जरा तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताओगे। ओके सर, सर फर्स्ट इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सारे बता दो, सेकंड इसमें 6 है, थर्ड इसमें 3 है, एंड फोर्थ इसमें 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? सर वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? सोच के बताओ ना, तुम्हें जितनी चीजें पता चली हैं उससे सोच के बताओ। यस सर, सर ज्यादा हो जाएगी क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा? सर, हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड्स ज्यादा बन जाएंगे। हाँ तुम देखो ना, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट सर, तो ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की एनर्जी कम हो जाएगी ना, राइट सर, तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट सर, ठीक है। तो एक चीज समझ में आएगी, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा हो जाएगी, यस सर, ठीक है नोट कर लो ये। यस सर, यस सर, समझा? यस सर, अच्छा ये केस वन था, केस टू देखता, अल्कीन का केस देखता, अल्कीन मान लो ऐसा कोई केस है, ठीक है यस सर, तो यहाँ पे
मान लो एक सी एच बॉन्ड तोड़ा हमने, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, देखो बना के दिखाता हूँ मैं। है ना, राइट सर। यस सर। अब देखो यार, रेजोनेंस मिल रहा है, कॉन्जुगेशन जनरेट हो गया, राइट सर। है ना। मैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज का। हाँ यस सर। या यहां वाला बॉन्ड तोड़ के भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। हो रहा है ना। राइट सर। तो बेसिकली कोई पूछे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है ना यार, तो अपने काम की ओंकार बात पता ही क्या होती है। ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, फालतू की बातें बताते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, काम की बात नहीं बताते, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करते हैं। तो यस सर। काम की बात बस क्या है कि सी एच सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के बाद जहां भी रेजोनेंस मिलेगा यस सर। वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यस सर। समझा ना यस सर। क्या काम की बात क्या है हाइपर कंजुगेशन, किसी को समझाना है तो क्या बोलोगे तुम तो? सर, अगर सी एच सिग्मा बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो जहां भी रेजोनेंस होगा वह हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ग्रेट, ठीक है। अब देखो इसका अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड वाला एरिया है इसको ऐसे पकड़ लोगे। यस सर। अब देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, सही है ना। सर, हमने उसे सी डबल बॉन्ड सी एच को ही क्यों वही उसी के रिस्पेक्ट में रेजोनेंस हो रहा है ना। यस सर। राइट सर। जैसे वहां पे पॉजिटिव चार्ज लेना था, यहां तो मैं डबल बॉन्ड लेना है, यस सर। ठीक है। यस सर। रेजोनेंस तो डबल बॉन्ड की वजह से ही हो रहा है ना। राइट सर। तो अभी बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें। सर 9। नाइन, यस यहाँ पे सर। अल्फा हाइड्रोजन 9 है। ठीक है ना। यस सर। अच्छा अभी मैं कुछ केस देख रहा हूँ, सब में तुम बताना, ठीक है। हाँ या सर, वन सेकेंड नोट कर। नो, हाँ नोट कर लो। यस सर। यस सर। कंप्लीटेड। चलें बढ़ जाएंगे। यस सर।
हर केस में अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताओ। यस कर लिया सर, 1 मिनट। सर मुझे सेकंड और लास्ट इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं है, तो बस आंसर बताओ। सर फर्स्ट में 12, फर्स्ट में 12, ठीक है। सेकंड में? सर सेकंड में सर 14 आ रहे हैं। अल्फा देखना, अल्फा डायरेक्टली जो इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ही अल्फा होता है। राइट सर। सर देन 11। 11, ठीक है। सर थर्ड इसमें 0। सर फोर्थ में जस्ट 3 होगा। सर और इसमें 10। ठीक है सर, देन जस्ट सी डबल बॉन्ड सी से जो अल्फा कार्बन ज्वाइन है उसके हमने काउंट किया ना। हाँ यस सर। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? स्टेबिलिटी वही अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा, सही है ना? राइट सर। यस सर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा। यस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी पूछा जाता है कभी कभी एल्कीन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। समझा?
सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मींस मतलब देखो ना हाइड्रोजनेशन का मतलब बताओ क्या होता है, एच टू एड करना। राइट सर, एच टू एड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलता है। राइट सर, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कि जो कम स्टेबल होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सर जो कम स्टेबल वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यस सर, सही ना। यस सर, वो कम स्टेबल कौन सा होगा बताओ सर, जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया। जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया। यस सर, समझा ना। यस सर, क्लियर। यस सर, ठीक है। और बताओ, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, ये सब नोट डाउन कर लो पहले। यस सर, यस सर, कंप्लीट है। अच्छा, अब देखो केस नंबर थर्ड देखते हैं। अब जैसे देखो केस थ्री क्या होता है हाइपर कंजुगेशन का, ये वाला केस बेंजीन के साथ। यस सर, तो देखो यहां पे अगर एक CH बॉन्ड तोड़ोगे, ब्रेक करोगे इसमें, तो देखो यहां पे भी रेजोनेंस जनरेट हो जाएगा ना। राइट सर, है ना। यस सर, ठीक है। तो देखो यहां पे कैसे काउंट करते हैं, यहां पे पूरी बेंजीन रिंग ऐसे पकड़ लो। यस सर, ये क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। राइट सर, तो यहां पे देखो अल्फा हाइड्रोजन आ गया थ्री। यस सर, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा वन। समझ में आ रहा है। यस सर, यहां पे बताओ टू टू। यहां पे बोलो सर जीरो जीरो। नोट डाउन कर लो। यस सर, यस सर, कंप्लीट है।
लिख लिया, यस सर, लिख लिया ना यहाँ तक, यस सर। फिर क्या होगा, वही अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना, राइट सर। इस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग विल बी मोर, है ना? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, याद है, क्लियर है ना सर? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद लिखो एरोमेटिक कंपाउंड। यस सर। अब देखो, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट सर। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या जरूरी है बताओ सर, लाइक मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, हकल्स रूल का कुछ नाम सुना है? सर इतना क्लियर नहीं है वो। बोलो सर, जो भी है जनरल नॉलेज बता। सर लाइक एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक रहते हैं। हाँ, साइक्लिक रहते, बहुत अच्छा। क्या कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, और सर, और फॉर एग्जांपल बेंजीन, और क्या होना चाहिए? साइक्लिक होने चाहिए और प्लेनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्लेनर सर मींस प्लेन पे लाई करेगा स्ट्रक्चर। हाँ, यस सर। और थर्ड जो ज्यादा जरूरी चीज है ध्यान से, कि 4N+2 कंप्लीटली डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग, मतलब पूरी रिंग पे कंप्लीटली डीलोकलाइज 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? सर वो क्लियर नहीं हुआ, 4N+2। हाँ, मैं बताता हूँ, 4N+2 का मतलब क्या है कि N जो नंबर है, 4N+2 में N तुम रखोगे, अगर N 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट सर। 1 रखोगे, N 1 रखोगे तो कितने हो गए, 6 पाई, राइट सर। N 2 रखोगे तो कितने हो गए, यस 10 सर। पाई, N 3 रखोगे 14 पाई, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज होंगे तो तुम्हारा मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। यस सर, यस सर। एन बेसिकली क्या है, एन 0, 1, 2, 3, 4 कोई इंटीजर हो यस सकता सर। मतलब बोल, हगल्स रूल क्या बोलने का कोशिश कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो, या 6 डीलोकलाइज हो, या 10 डीलोकलाइज हो, या 14 डीलोकलाइज हो, या 18 डीलोकलाइज yes, हो, तो तुम्हारे मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, समझ में आया? यस सर। नोट डाउन कर लो पहले ही अपना अच्छे से।
सर दीज वैल्यूज लाइक इन वैल्यूज पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है पाई इलेक्ट्रॉन्स के. हाँ हाँ यस यस सर कंप्लीटेड. यस सर देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक एक करके। जैसे यस मान अब देखो ये मॉलिक्यूल सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही मैं बोल रहा हूँ ये वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है क्यों? आवाज नहीं आ रही है। अब सर. आई अभी आवाज सर अभी आई. ओंकार? यस सर अभी आई. हाँ मैं बोल रहा हूँ ये वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं? नहीं ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं बेट? सर ये प्लेनर तो है साइक्लिक भी है सो सर ये होगा. ये प्लेनर है क्या? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है? 1 2 सर 1 सेकेंड. सर SP2 चार बॉन्ड है ना? 1 2 3 4 सर देन SP3 SP3 तो प्लैनर तो नहीं हुआ ना फिर? राइट सर. सर मींस SP2 होना चाहिए हाइब्रिड हाँ प्लेनर का तो मतलब यही हुआ ना कि SP2 होना चाहिए है ना? फिर राइट सर. यस सर सर इसलिए देन ये नहीं होगा. फिर सर पाई इलेक्ट्रॉन्स लाइक उसके वजह से भी. पाई इलेक्ट्रॉन दो तो है लेकिन देखो ये दो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है ना पूरी रिंग में। कंडीशन क्या है? डीलोकलाइज यस सर कंप्लीटली डीलोकलाइज. तो यहां पर तो डिलोकलाइज हुआ नहीं, सर क्यों नहीं होगा? कॉन्जुगेशन है क्या? नो सर फिर इसलिए. यस सर यस सर समझा ना? यस सर तो ये नहीं होगा, राइट सर. ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है अच्छा ये यस सर ये है। यस सर सर क्योंकि SP2 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए. नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन मत देखो, तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो यस सर हो रहा रहा है. है। अच्छा ठीक है
यस सर। सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है सर, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देख रहे हो तुम, देख रहे हो कि एरोमेटिक है कि नहीं? यस सर ये है। है ना? यस सर। पूरी रिंग में घूमा गया। देखो मैं बना पूरी रिंग में घूमने का मतलब क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूं। यस सर। जैसे देखो अगर ये वाला स्ट्रक्चर अपन लेते हैं राइट सर। देखो पूरी रिंग में घुमा ना, यस सर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो घूम रहा है ना इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। सर हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को? एरोमेटिक स्ट्रक्चर को जहां पे भी पूरा डेलोकलाइजेशन होगा ना अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर। अब जैसे देखो इस स्ट्रक्चर की अगर बात करो ना तो ये पूरी रिंग में घूमेगा नहीं। यस सर। देखो ऐसा हो रहा है, मतलब देखो अगर इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें ना तो कुछ देखो ऐसी सिचुएशन हो रही है। राइट सर। समझा? यस सर। नोट कर लो ये, फिर ये समझा ना? यस सर। यस सर कंप्लीट है। बोलो, लिख लिया? यस सर। अच्छा अब आगे चलते हैं। तुम देख के बताना कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। नो सर। यस सर ये है। ओके सोच लो अच्छे से, सोच के बताओ। सर।
यस सर, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है ना? यस सर। ये है एरोमेटिक नो सर। नो सर। नहीं है? नो सर। क्यों सर, क्योंकि सर मैंने डबल बॉन्ड लाइक इलेक्ट्रॉन्स ट्राई किया उनको मूव करने का, लेकिन सर पर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। पूरी रिंग में नहीं घूमेगा ना, इतना ही घूम रहा है। इधर तो कुछ कॉन्जुगेशन है नहीं, तो समथिंग तुमने ऐसा बना लिया होगा। दिखाता हूँ ऐसे। यस सर, राइट सर, है ना? यस सर। तो ये नहीं है। अच्छा देखो, ये है क्या? यस सर है। यस सर। चले यस सर। है कि नहीं? यस सर, ये एरोमेटिक है। अरे यार, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है।
यस सर, ये भी है है ना, कैसे बताओ। सर। वो नेगेटिव चार्ज हम लोग उस साइक्लिक इसको कंपाउंड को डोनेट कर देंगे, एंड देन वो जो डबल बॉन्ड है वो उस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जाके नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एंड सर ऐसे कंप्लीटली ठीक है साइकिल ठीक हो जाएगी। है। और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? सिर्फ वन 1 डीलोकलाइज होने पे क्या एरोमेटिक होता है क्या? नो सर, फिर नो सर, बोलो। सर सर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। टू नहीं, 6 ना, ओनली सर डबल बॉन्ड के दो काउंट करेंगे ना, एक डबल बॉन्ड के हाँ। सर, देन यहाँ पे टू डबल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग जस्ट फोर हो रहे हैं। और ये वाला भी तो डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी तो पूरा 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट सर, 6 हो गया ना, यस सर, समझा? यस सर, पक्का समझा ना? यस सर, यस सर मत बोलो, तुमको समझ में आया ये बताओ पहले, पक्का समझा ना? यस सर, आया समझ में। अच्छा ये बताओ, सर वो सर मुझे वो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ कौन सा, ये सर। वाला, सर लास्ट ये नो वाला, सर, ये ये न्यू वन, यस सर, नाइट्रोजन और इसका लोन पेयर है। ये ओके सर, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 ने बॉन्ड बना लिया। राइट सर,
बोलो है क्या सर? एक सेकेंड सर, नहीं हो रहा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? सर। डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन में कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है तुमको? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, क्योंकि सर पाई पाई सॉरी डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है। एडजेसेंट पे कहाँ है? वो तो अल्टरनेट है, ध्यान से देखो। यस सर। सर डबल सर दिखा? no, लोग मैं दिखा रहा यस सर। सही है। यस सर। सही है। यस सर। हो गया ना डिलोकलाइज? राइट सर। कितने हो रहे हैं? टू प्लस सर सिक्स। 6 हो रहे हैं तो होगा कि नहीं? यस सर होगा। समझा ना? अच्छा यस सर। हाँ हाँ सर एक सेकेंड सर, नोट पॉइंट। नोट नोट कर लो।
यस सर कंप्लीटेड। अच्छा ये होगा कि नहीं? यस सर, है कि नहीं? पैरामीटर यस सर हो रहा है, यस सर, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? सर सिक्स, ठीक है। ये सर ये भी होगा, यस सर ये भी होगा। अच्छा देखो ये नहीं होता, उसका रीजन क्या है? देखो बेसिकली ऐसे डीलोकलाइजेशन करवा रहे हो ना, ऐसे है ना, तो देखो डीलोकलाइजेशन के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती होगी कि दो एलिमेंट के बीच में एनर्जी नियरली इक्वल होती होगी। राइट अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन सल्फर एंड कार्बन, जैसे देखो ऐसे ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, ठीक है, यस सर, तो कार्बन और सिलेनियम के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, तो ओके यहाँ पे इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है। सर, राइट सर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस मोर होगा इसलिए। यस हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, यस सर,
ड्यू टू लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड एसी लिख लिया यस सर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर डज नॉट टेक प्लेस यस सर सो दिस कंपाउंड विल नॉट बी एरोमेटिक राइट सर समझा ना यस सर अच्छा ये है कि नहीं वन सेकंड सर नहीं हो रहा है नहीं होगा ध्यान से देखो यस सर हो रहा है क्योंकि सर हमने इसमें एच को देन ब्रेक किया देखो ना यहाँ पे क्यों हो रहा है क्योंकि बोरॉन जो है ना यस सर तुम्हारा जो बोरॉन है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा नहीं है राइट सर तो ये पता है बोरॉन अपने आप में ना एक बहुत बड़ा डेल्टा पॉजिटिव है यस सर
समझा? यस सर, इसलिए एरोमेटिक होगा, समझ में आया ना? यस सर, आया समझ में। पक्का? ठीक है, अच्छा ये यस सर, ये भी होगा एरोमेटिक। समझा ना? यस सर, अच्छा ये सर नहीं होगा ध्यान से देखो, सर, इसमें ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर हो गए ना। एक बात ये ध्यान में रखना कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये हमेशा ऊपर की ओर ही टूटता है, ओके सर, और ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में कहाँ है? इसके साथ अल्टरनेट नहीं है ना? राइट सर,
बोलो। सर वन सेकेंड, सर इसके स्ट्रक्चर मुझे कंफ्यूजन हो रहा तुम्हें क्या लग रहा है कि नहीं? है। यस सर होगा। होगा? होगा? सर क्यों? कैसे होगा? सर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज तो हो रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रिंग में नहीं हो रहे हैं। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, ध्यान रख, ये एरोमेटिक है, ठीक है? ये सर वाला स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हो जाता है? देखो ऐसे, राइट सर, ये तो एरोमेटिक है। यस सर, अब ऐसे क्यों ब्रेक हो रहा है, उसका रीजन क्या है? एरोमेटिक होगा ना, इससे स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसको, है ना? यस समझा? यस सर, यस सर समझ में। यही? हाँ बोलो बोलो। सर इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो गए ना। हाँ, 2π इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ठीक यस सर, है, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना? ओके सर, ठीक है, चलो। अपने आसपास सराउंडिंग में कोई हो ना तो उसे जरूर मैग्नस के बारे में बताओ, ठीक है? श्योर सर, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, यस सर, थैंक यू सर, बाय। बाय।